Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we talk about another ways how roots have classified themselves, okay? रूट्स वैसे बहुत सारी तरीकों से क्लासिफाई हुई हैं, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट रूट्स डिवाइड हुई हैं वो बेसिस ऑन द ओरिजिन हुई हैं दैट यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओरिजिन का मतलब हुआ कि सोर्स, उस रूट का सोर्स कहाँ से है, वो एक्चुअल में निकल कहाँ से रही है, ठीक है? उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि रूट्स कितने टाइप की हैं, और रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज योर ट्रू रूट, सेकंड इज योर एडवेंटेशियस रूट। ओके, ट्रू रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। सो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रू रूट। तो ट्रू रूट में क्या क्या आएगा? ट्रू रूट में आपका आएगा, ट्रू रूट हैज़ बोथ द थिंग्स, दैट इज द प्राइमरी रूट एंड द सेकेंडरी रूट। इट हैज़ बोथ प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, ओके? एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। ये रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। रेडिकल ऑफ द सीड मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लीजिए, आप लोगों ने सबने स्प्राउट्स बहुत सारे यूज़ किए होंगे या फिर कहते खाए होंगे बहुत सारे। जब हम घर में जो दालें होती हैं या आपके चने होते हैं, जितने भी जो आपके होल व्हीट होते हैं, उन्हें जब हम ओवरनाइट सोक कर देते हैं, यानी उन्हें हम भिगो देते हैं, तो क्या होता है उसमें से कुछ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं निकल के। तो वो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी क्या होती हैं? उनकी रूट्स होती हैं, ओके? तो जिस पॉइंट से वो रूट निकलती हैं उसे हम रेडिकल बोलते हैं। तो ट्रू रूट का आपका एग्जांपल में क्या आ जाएगा? आपका पी, ओके? नाउ वी कम ऑन एडवेंटेटिव रूट्स। एडवेंटेटिव रूट्स में क्या आएगा आपका? इट डू नॉट रिक्वायर एनी रूट टिश्यू। इसे किसी भी रूट टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट के लीफ में से या प्लांट की स्टेम में से ग्रो कर सकती है बहुत ही ज़्यादा इजीली। इट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम और leaf of the plant, okay? और इसका example होगा आपका banyan tree। okay? so now we talk about the modifications of the roots। modify होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रूट्स को मॉडिफाई होने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, उसी तरीके से रूट ने अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो जो चेंजेस आ रहे हैं उससे उसके साथ कोप अप कर पाए, मैच कर पाए, ओके? तो इसीलिए रूट्स में क्या हुए हैं? मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो रूट्स में मॉडिफिकेशंस क्या, दो मॉडिफिकेशंस हुए हैं। फर्स्ट, इट स्टोर्स फूड, एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। फर्स्ट आएगा आपका,
इट स्टोर फूड, एंड सेकंड आएगा आपका प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. इट स्टोर्स फूड, फूड का फूड रूट्स में क्या होने लगा, स्टोर होने लगा. तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, सकते हो टर्निप लिख सकते हो. ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं उन रूट्स के जिनमें आपका फूड स्टोर होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. अब ऐसी कौन सी रूट्स हैं जो प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, तो वो हैं आपकी थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. फर्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट, सेकेंड इज स्टिल्ट रूट, एंड थर्ड इज प्रॉप रूट. ना फर्स्ट क्लाइंबिंग रूट, इन सब में तीनों में एक पॉइंट आपका कॉमन है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट टू वीक स्टेम. ये पॉइंट सब में कॉमन होगा, इसमें भी. ओके, नाउ अगेन विद द क्लाइंबिंग रूट. क्लाइंबिंग रूट में सेकेंड क्या होगा आपका, इट अराइजेस फ्रॉम द नोड्स एंड इंटरनोड्स. ऑफ प्लांट ये रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, फ्रॉम द नोड्स एंड द इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट. इसका एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट. सबके घरों में होता है मनी प्लांट, तो उसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें रूट्स कहाँ से निकलते हैं. उसमें रूट्स निकल रही हैं, नोड से भी निकल रही हैं और इंटर नोड से भी निकल रही है, बिकॉज जो उसका स्टेम होता है बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होता है, लाइक दिस वीक होता है, उसमें से केवल लीव्स निकल रही होती हैं. तो रूट्स यहाँ से भी निकल रही होती हैं और यहाँ से भी निकल रही होती हैं, और यहाँ पे फिर आपका क्या होता है, फिर आपका दोबारा लीव्स आ जाती हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया मनी प्लांट. नेक्स्ट आता है आपका स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं, स्टिल्ट रूट्स स्वेलन रूट फाउंड अबव द सॉइल. Growing downwardly. ये swollen roots होती हैं, found above the soil, growing downwardly. Okay? और जो आपकी still root होती हैं वो कहाँ से होती हैं, ये निकलती हैं आपकी node से. It came out फ्रॉम नोड्स, ये आपकी नोड्स से निकलती हैं. और स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल आपका होगा शुगर केन. ओके, नाउ प्रॉप रूट. प्रॉप रूट आपका प्रॉप रूट इज जस्ट एरियल रूट्स विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Aerial roots grows vertically downwards. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.